देश के बहुचर्चित केसों में से एक निठारी कांड को लेकर इलाहाबाद ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। इस केस के दोनों मुख्य आरोपी सुरेंद्र कोहली और उसके मालिक मोनिंदर सिंह पंडेर ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई कोर्ट ने कुल मिलाकर दोनों पर 16 मामले दर्ज किए थे, जिसमें से सुरेंद्र कोहली पर 14 मामले तो वहीं मोनिंदर सिंह पंडेर पर 2 मामलों में बरी किया गया है। इलाहाबाद कोर्ट ने इनके खिलाफ कोई सबूत और गवाह न होने की वजह से दोनों को बरी कर दिया। चलिए अब एक बार नजर डालते हैं उस खौफनाक घटना की, जिसके कारण ये मामला देश के सबसे बड़े विभस्त घटनाओं में आता है। निठारी के कोठी से जब नर कंकालों का मिलना हुआ शुरू। साल 2006 में नोएडा के निठारी गांव में स्थित कोठी D5 के बगल वाले नाले की सफाई में नर कंकालों का मिलना शुरू हुआ। जिस कोठी के पीछे नाला था, वो कोठी मोनिंदर सिंह पुंढेर की थी। मोनिंदर सिंह पुंढेर का एक नौकर भी उसके साथ उस कोठी में रहता था, जिसका नाम सुरेंद्र कोहली था। उस समय जो रिपोर्ट सामने आई थी, उसके मुताबिक मोनिंदर सिंह पुंढेर अपनी कोठी पर लड़कियों को लेकर आता था, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता, जिसको नौकर कोहली देखता था, जिसके बाद उसके शैतानी दिमाग ने घटना को अंजाम देना शुरू कर दिया। आरोप है कि सुरेंद्र कोहली कोठी पर लड़कियों को लेकर आता था, उनके साथ दुष्कर्म करता था और फिर उनकी हत्या कर उनके शवों के टुकड़ों को फेंक देता था। आरोप तो ये भी लगा कि वो इंसानी मांस को भी पकाकर खा जाता था, जिससे उसके मालिक मोनिंदर सिंह पुंढेर ने भी उसका साथ दिया था। पायल नाम की लड़की के गायब होने से हुआ खुलासा। आरोप है कि मई 2006 को पायल नाम की एक लड़की लापता हो गई। उसे आखिरी बार एक रिक्शे वाले ने मोनिंदर सिंह पुंढेर की कोठी पर छोड़ा था। पायल ने रिक्शे वाले को ये बोलकर रोक लिया था कि जब वो बाहर आएगी तब उसको पैसे देगी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब पायल नहीं आई तो रिक्शे वाले ने कोठी का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद नौकर सुरेंद्र कोहली निकला और कहा कि पायल कब का चली गई। रिक्शे वाले को सुरेंद्र कोहली का बयान हजम नहीं हुआ, जिसके बाद उसने पायल के घर वालों को सूचना दी। पायल के घर वाले पुलिस के पास पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने कोठी पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार किया था। पुलिस को कोठी से पायल की कुछ चीजें भी मिली थी। सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी दोनों को फांसी की सजा। मामले पर उस वक्त विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि पुलिस के लोगों से झड़प तक हो गई थी। मामले को बढ़ता देख इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया गया। कई सालों तक मामला चलने के बाद सीबीआई कोर्ट ने दोनों को फांसी की सजा सुनाई थी। सुरेंद्र कोहली और पंडेर के खिलाफ हत्या के 16 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 8वां मामला है जिसमें फैसला सुनाया गया है। इसके साथ ही एक बार फिर 8 सितंबर 2014 को कोर्ट ने रात को करीब 1 बजे कोहली को फांसी पर रोक लगा दी थी। कोहली को सजा उसी दिन होनी थी। साल 2006 में इस केस ने लोगों को झकझोर दिया था। इस केस ने पूरे देश के लोगों को हिलाकर रख दिया था। आज फिर से इलाहाबाद कोर्ट से फैसला आने के बाद इस मामले ने लोगों के मन में 2006 की पूरी घटना को ताजा कर दिया।